Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 9th maths chapter factorization exercise 5p question 2 के यहाँ पे solve करेंगे. Question 1 हम already solve कर चुके हैं, ठीक है. यहाँ पे question है factorize करना है आपको इस question को. तो one time हम यहाँ पे इसे note कर लेते हैं, a square minus 3a minus 40. ये आपके पास question है, इसको factorize करना है. तो हम middle term को split करके ही इसको factorize करेंगे, ठीक है. तो middle term split करने के लिए आपको यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे. तो यहाँ पे देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास कंपेयर करने पे 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है एंड सी की वैल्यू है आपके पास 40, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 40 करेंगे तो वैल्यू आपकी तो 40 ही आनी है, ठीक है. ए इंटू सी आपके पास कितना आएगा 40. अभी हमको 40 के फैक्टर्स करने हैं, 40 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं हमको जो मल्टीप्लाई करने पे 40 आना चाहिए एंड सब्सट्रैक्ट या ऐड करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए यानी कि 3 आना चाहिए. तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करेंगे 40 के. 2 2 4, ठीक है. 2 1 2, अगेन 2 5 10, 5 1 5. अब हमने इसके फैक्टर्स कर लिए हैं, यहाँ पे देखिए इन सभी का मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं 2 into 2 into 2, 3 times 2 into 5. अभी देखिए 2 2 4 2 8 into 5, 8 into 5 अगर हम बोथ का क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो आपके पास 40 आ जाता है, राइट. अगर हम 8 से माइनस 5 कर दें तो आपके पास 3 आ जाता है. यही दोनों कंडीशंस हमें चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म से स्प्लिट करके. तो हम कर देते हैं ना, देखिए यहाँ पे आपका ए स्क्वायर है माइनस 3 के रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 minus 5, राइट. तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 minus 5 इंटू में आपके पास ए, माइनस में है 40. यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस के साथ में ए का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8a प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5a माइनस 40, ठीक है. यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म से ए कॉमन है सो ए कॉमन ले लेंगे. ए माइनस 8 यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस इन दोनों में यहाँ पे 40 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 8, राइट. तो यानी कि इसके पास भी 5 है, 5 यहाँ तो 5 कॉमन आ जाएगा. ए माइनस 8 यहाँ से आपका बचेगा. अभी देखिए a माइनस 8 और a माइनस 8 बोथ टर्म से क्या है कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट में यहाँ से आपका बचेगा a प्लस 5, ठीक है. a प्लस 5 बहुत ही सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. सिर्फ और सिर्फ आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड समझ में आना चाहिए. अगर वो समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, उसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है. आई होप आपको एक्सरसाइज 5b क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.